Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Chandigarh draft cycling policy. हम जानेंगे चंडीगढ़ के draft cycling policy के बारे में. चंडीगढ़ recently released first of its kind draft cycling policy. चंडीगढ़ ने अभी हाल ही में release किया पहला इस kind का draft cycling policy को. तो किस state ने recently release किया draft cycling policy को, ऐसे भी question frame किया जा सकता है. It is for the first time that a city has drafted a cycling policy in India. The policy has been drafted by the Chandigarh Smart City Limited. ये पहली बार है कि किसी सिटी ने ड्राफ्ट किया है साइकिलिंग पॉलिसी को भारत में. ये जो पॉलिसी है इसको ड्राफ्ट किया गया है चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा. तो हम जानेंगे कुछ इसके हाईलाइट के बाद जो ड्राफ्ट है. सेफ रिफ्यूज पॉइंट इक्विप्ड विद पैनिक बटन फॉर वुमेन साइकिलिस्ट. इसमें सेफ रिफ्यूज पॉइंट होगा जो कि इक्विप्ड होगा पैनिक बटन से, जो कि वुमेन साइकिलिस्ट को मदद करेगा. पार्किंग स्पेस विथ रूफ आउटसाइड ऑफिसेज. पार्किंग स्पेस होगा जिसमें रूफ भी अवेलेबल होगा आउटसाइड ऑफिस के. हाफ ए डे अन लीव फॉर एवरी 7 डेज साइकिल टू वर्क. हाफ ए डे अन लीव प्रोवाइड किया जाएगा हर एक 7 डे पे साइकिल के लिए वर्क जो कर रहे हैं. मॉनेटरी इंसेंटिव फॉर पार्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल. मॉनेटरी इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा जो पार्टिकुलर डिस्टेंस साइकिल से ट्रेवल करेंगे. इंक्रीज इन नॉन मोटोराइज ट्रांसपोर्ट लेन टू रिड्यूस फियर ऑफ एक्सीडेंट. इंक्रीज किया जाएगा नॉन मोटोराइज ट्रांसपोर्ट लेन को ताकि जो फियर है एक्सीडेंट का वो कम से कम हो जाएगा. इच गवर्नमेंट ऑफिस प्राइवेट बॉडी ऑफ ऑल टाइप्स मस्ट हैव अ सेपरेट पॉलिसी टू इनकरेज कम्यूटिंग टू वर्क बाय साइकिल. हर एक गवर्नमेंट ऑफिस प्राइवेट बॉडीज जो होगा अलग अलग टाइप के, उन सब पे सेपरेट पॉलिसी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि इनकरेज किया जा सके वर्क के लिए यूज करने का साइकिल को. टू इनहेंस सेफ्टी सेफ रेफ्यूजी पॉइंट फॉर वुमेन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी शुड बी क्रिएटेड बाई इंट्रोड्यूसिंग 24x7 सीसीटीवी सर्विलेंस एंड पैनिक बटन. इनहेंस करने के लिए सेफ्टी को सेफ रेफ्यूज पॉइंट बनाने के लिए वुमेन का और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए क्रिएट किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा 24x7 सीसीटीवी सर्विलेंस को और पैनिक बटन प्रोवाइड किया जाएगा. बेनिफिट क्या होगा साइकिलिंग का तो हम ये जानेंगे. फ्री ऑफ एमिशन एंड नॉइज. जो साइकिलिंग हम चलाते हैं वो एमिशन फ्री है, इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, नॉइज फ्री है. कॉस्ट इफेक्टिव एज इट कैन बी परचेज एंड मेंटेन फॉर मॉडेस्ट प्राइस एंड इट ऑल्सो एनर्जी इफिशियंट. ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इसको परचेज किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है मॉडेस्ट प्राइस पे और ये एनर्जी इफिशियंट भी है. लो स्पेस रिक्वायरमेंट एंड दस साइकिलिंग पार्ट एंड पार्किंग फैसिलिटी फॉर द सेम कैन बी डेवलप्ड एट अ लोअर कॉस्ट देन रिक्वायर फॉर कार. बहुत कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, इस कारण साइकिलिंग पाथ और पार्किंग फैसिलिटी को सेम पर्पज के लिए डेवलप किया जा सकता है कम कॉस्ट पे, जो कि आवश्यकता है कार के लिए उसके कंपेरिजन में काफी कम कॉस्ट में ये हो जाएगा. जरूरत के ऊपर ऐसे पॉलिसी का. तो साइकिलिंग पॉलिसी कैन बी ए पावरफुल टूल फॉर द गवर्नमेंट टू इनकरेज साइकिलिंग इन द सिटी. इट इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली क्लीन एंड सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. इट हैज पोटेंशियल टू बी एन अल्टरनेटिव टू कार फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल इन अर्बन एरियाज. देयरफॉर द अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी मस्ट कंसिडर साइकिलिंग इन एन इंटीग्रेटेड कॉन्टेक्स्ट विद अदर अर्बन ट्रेवल एंड लैंड यूज पॉलिसी. जो साइकिलिंग पॉलिसी है ये एक पावरफुल टूल है गवर्नमेंट के लिए ताकि इनकरेज किया जाए साइकिलिंग को सिटी पे. ये एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली क्लीन और सस्टेनेबल मोड है ट्रांसपोर्ट का. इसका पोटेंशियल है, ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है कार के लिए एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल के लिए अर्बन एरियाज में, मतलब ये एक अल्टरनेटिव के रूप में यूज किया जा सकता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए. इस कारण अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है उसको कंसिडर करना चाहिए साइकिलिंग को इंटीग्रेटेड कॉन्स्टेक्ट में, ताकि जो अदर अर्बन ट्रेवलर है वो यूज करे लैंड यूज पॉलिसी को अदर पर्पज के लिए. इसके सारे बेनिफिट है और साइकिलिंग का बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट भी है, दैट्स वाई इसको फोकस किया जा रहा है चंडीगढ़ के द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा WHO अर्जेस हॉल्ट ऑन सेल ऑफ लाइव वाइल्ड मैमल्स इन मार्केट. WHO ने अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है कि रोकना चाहिए जो सेल हो रहा है लाइव वाइल्ड मैमल्स का मार्केट में. तो हम पूरे फैक्ट को समझेंगे क्यों कहा गया है, क्या है न्यूज में. द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ OIE एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP हैव कॉल्ड फॉर ए हॉल्ट टू द सेल ऑफ लाइव वाइल्ड मैमल्स इन फूड मार्केट टू प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ न्यू डिजीज सच एज COVID-19. वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने कहा है कि अभी रोकना चाहिए जो सेल है लाइव वाइल्ड मैमल्स का फूड मार्केट में, क्योंकि ये रोकेगा इमरजेंस होने में न्यू डिजीज को COVID-19 जैसे, इसी कारण इसके सेल को रोकना चाहिए. वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ OIE टू नीड टू फाइट एनिमल डिजीज एट ग्लोबल लेवल लेड टू द क्रिएशन ऑफ द ऑफिस इंटरनेशनल डेज एपिजुटाइज थ्रू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन ऑन जनवरी 25, 1924.
फाइट करने के लिए जो एनिमल डिजीज है ग्लोबल लेवल पे क्रिएट किया गया था ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजोटाइज को इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा साइन जिसको किया गया था 25 जनवरी 1924 को। इन मई 2003 द ऑफिस बिकम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ बट केप्ट इट्स हिस्टोरिकल एक्रोनिम ओआईई। और मई 2003 में ये जो ऑफिस था वो बन गया वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, लेकिन इसका जो हिस्टोरिकल एक्रोनिम था ओआईई वो वही है। द ओआईई इज द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग एनिमल हेल्थ वर्ल्ड वाइड। जो ओआईई है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इम्प्रूव करने के लिए एनिमल हेल्थ को पूरे वर्ल्ड में। इट इज रिकॉग्नाइज एज रिफरेंस ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको रिकॉग्नाइज किया गया एक रिफरेंस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। द ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस अंडर द अथॉरिटी एंड कंट्रोल ऑफ वर्ल्ड असेंबली ऑफ डेलीगेट्स कंसिस्टिंग ऑफ डेलीगेट डिजाइन बाय द गवर्नमेंट ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको रखा गया अथॉरिटी एंड कंट्रोल में वर्ल्ड असेंबली ऑफ डेलीगेट के, जो कि कंसिस्ट करते हैं डेलीगेट जो कि डिजाइन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा मेंबर्स कंट्री के। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओआईई इज टू कंट्रोल एपिजूटिक डिजीज एंड डस्ट टू प्रिवेंट देयर स्प्रेड। जो मेन ऑब्जेक्टिव है ओआईई का कि कंट्रोल किया जाए एपिजूटिक डिजीज को और प्रिवेंट किया जाए उनके स्प्रेड को। जरूरत क्यों पड़ा? तो बिकॉज ट्रेडिशनल मार्केट प्ले ए सेंट्रल रोल इन प्रोवाइडिंग फूड एंड लाइवलीहुड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, बैनिंग द सेल ऑफ लाइव वाइल्ड एंड मैमल्स कुड प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ मार्केट वर्कर एंड कस्टमर अलाइक। क्योंकि जो ट्रेडिशनल मार्केट है ये प्ले करता है एक सेंट्रल रोल प्रोवाइड करने में फूड लाइवलीहुड लार्ज पॉपुलेशन को, इसलिए बैन अगर किया जाता है सेल को लाइव वाइल्ड मैमल्स का तो ये प्रोटेक्ट करेगा हेल्थ जो है मार्केट के वर्कर्स का और कस्टमर का दोनों को। एनिमल्स पार्टिकुलरली वाइल्ड एनिमल्स आर द सोर्स ऑफ मोर देन 70% ऑफ ऑल एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन, मेनी ऑफ विच आर कॉज्ड बाय नोवल वायरसेस। वाइल्ड मैमल्स इन पार्टिकुलर पोज अ रिस्क फॉर द इमर्जेंस ऑफ न्यू डिजीज। और एनिमल जो है पार्टिकुलरली वाइल्ड एनिमल ये सोर्स है मोर देन 70% एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज के लिए ह्यूमन में, बहुत सारा जो है नोवल वायरस के कारण भी होता है। वाइल्ड मैमल्स तो है वो पार्टिकुलरली एक खतरा है, इमरजेंस हो सकता है इनके कारण न्यू रिस्क क्रिएट हो सकता है, न्यू डिजीज आ सकता है, इसी कारण इनके सेल को बैन करने की बात कही गई है। ये आप देख सकते हैं उनका लोगो ओआईई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोषण ज्ञान। पोषण ज्ञान है क्या? कई चीजें नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है किसके लिए? हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए। नाम ही बता रहा है पोषण ज्ञान। तो नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इट वॉज लॉन्च बाय नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद मिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज अशोका यूनिवर्सिटी। इसको लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा, पार्टनरशिप जो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज अशोका यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर किया गया है। कि किसने लॉन्च किया है किसके साथ मिलकर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द पोषण ज्ञान रिपोजिटरी इज कॉन्सेप्चुअलाइज एज अ रिसोर्स इनेबलिंग सर्च ऑफ कम्युनिकेशन मटेरियल ऑन 14 थीमेटिक एरियाज ऑफ हेल्थ न्यूट्रिशन अक्रॉस डाइवर्स लैंग्वेजेस मीडिया टाइप्स टारगेट ऑडियंस एंड सोर्सेज। जो पोषण ज्ञान रिपोजिटरी है इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया है एक रिसोर्स के तौर पे जो कि इनेबल करेगा सर्च ऑफ कम्युनिकेशन मटेरियल्स का 14 थीमेटिक एरियाज में हेल्थ के न्यूट्रिशन के साथ साथ डाइवर्स लैंग्वेज मीडिया टाइप टारगेट ऑडियंस और सोर्सेज को यह टारगेट करेगा, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन राइनो विजन 2020 आईआरवी 2020। हम जानेंगे इंडियन राइनो विजन 2020 के बारे में। इट वॉज लॉन्च इन 2005। तो इसको जो था इंडियन राइनो विजन को लॉन्च किया गया था 2005 में। आईआरवी 2020 जो है वो एक इनिशिएटिव है जिसको लेड किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ असम इन पार्टनरशिप विद WWF इंडिया इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन एंड सेवरल अदर ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडियन राइनो विजन है इसको लॉन्च किया गया था 2005 में और इंडियन राइनो विजन 2020 जो है ये एक इनिशिएटिव है जिसको लेड किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ असम, साथ साथ इसके पार्टनरशिप है वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन और बहुत सारे अदर ऑर्गेनाइजेशन। द गोल ऑफ आईआरवी 2020 वाज टू इंक्रीज द राइनो पॉपुलेशन इन असम टू 3000 बाय एस्टैब्लिशिंग पॉपुलेशन इन न्यू एरियाज। जो गोल है आईआरवी 2020 का कि इंक्रीज किया जाए राइनो के पॉपुलेशन को असम में 3000 तक किया जाए एस्टैब्लिश करके पॉपुलेशन को न्यू एरियाज में। राइनोज आर नाउ फाउंड इन 4 प्रोटेक्टेड एरियाज इन असम, पवित्रा वाइल्ड लाइफ रिजर्व, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। जो राइनोज है ये पाए जाते हैं 4 प्रोटेक्टेड एरियाज में असम के, कहाँ कहाँ? तो पवित्रो वाइल्ड लाइफ रिजर्व, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। ये चारों पार्क व रिजर्व कहाँ कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है, आपको मेमोराइज होना चाहिए। न्यूज में क्यों आया? तो 2 adult 1 horn राइनो वर रिसेंटली ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम पवित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू मानस नेशनल पार्क अंडर द एजिस ऑफ इंडियन राइनो विजन 2020। 2 adult 1 horn राइनो को रिसेंटली ट्रांसलोकेट किया गया है
पोविट्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मानस नेशनल पार्क पे जो इंडियन राइनो विजन 2020 का है उसके अंतर्गत विद दिस लास्ट लेग ऑफ वाइल्ड टू वाइल्ड ट्रांसलोकेशन अंडर IRV 2020 या टोटल ऑफ 22 राइनोस हैव बीन ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम पोविट्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड काजीरंगा नेशनल पार्क टू मानस नेशनल पार्क। ये जो लास्ट लेग वाइल्ड टू वाइल्ड ट्रांसलोकेशन है अंडर IRV 2020 के टोटल 22 राइनोस को ट्रांसलोकेट किया गया है जिसमें पोविट्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 12 और काजीरंगा नेशनल पार्क से 10 को ट्रांसलोकेट किया गया है मानस नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनोस। तो अब हम सबसे पहले तो वन हॉर्न राइनोस के बारे में जानेंगे। ओनली द ग्रेट वन हॉर्न राइनोस इज फाउंड इन इंडिया, सिर्फ ग्रेट वन हॉर्न राइनो ही पाए जाते हैं इंडिया पे। ऑल्सो नोन एज इंडियन राइनो, इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीसीज, इसको इंडियन राइनो भी कहते हैं वन हॉर्न राइनो को, और ये लार्जेस्ट है राइनो के स्पीसीज में। इट इज आइडेंटिफाइड बाई अ सिंगल ब्लैक हॉर्न एंड अ वेरी ग्रेट ब्राउन हाइड विथ स्किन फोल्ड, इसको आइडेंटिफाई किया गया है एक सिंगल ब्लैक हॉर्न के कारण और ग्रे ब्राउन हाइड विथ स्किन फोल्ड के साथ इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दे प्राइमरीली ग्रेज विद डाइट कंसिस्टिंग ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ ग्रास एज वेल एज रीफ्स ब्रांचेस ऑफ श्रब ट्रीज फ्रूट एंड एक्वेटिक प्लांट। ये जो प्राइमरली राइनोस जो है वो ग्रेज करते हैं, इनका जो डाइट है वो कंसिस्ट करता है ग्रास को सॉरी लीव्स को, ब्रांचेस ऑफ श्रब्स को, ट्री को, फ्रूट को, एक्वेटिक प्लांट को। अब हम जो राइनोस है इनके प्रोटेक्शन 33 को बारे में जानेंगे। IUCN रेड लिस्ट में इनका 33 जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में इनको रखा गया है, मतलब ये अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि इंडियन वन ऑन राइनो किस कैटेगरी में आते हैं IUCN के रेड लिस्ट में तो वल्नरेबल में। कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट अपेंडिक्स 1 थ्रेटन विद एक्सटेंशन एंड साइट प्रोहिबिट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंट ऑफ दिस स्पीसीज एक्सेप्ट व्हेन द पर्पस ऑफ इम्पोर्ट इज नॉट कमर्शियल फॉर इंस्टेंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च। जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना का साइट अपेंडिक्स 1 जिसमें थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन एंड साइट प्रोहिबिशन इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंट्स जो है स्पीसीज का, सिर्फ जो पर्पस इम्पोर्ट का वो कमर्शियल नहीं होना चाहिए, इंस्टेंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए उसमें रखा गया है। इट वॉज प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1, इसको प्रोटेक्ट किया गया है शेड्यूल 1 के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। अदर कंजर्वेशन एफर्ट बाय इंडिया, जो अदर कंजर्वेशन एफर्ट लिया गया है इंडिया के द्वारा राइनोस को कंजर्व करने के लिए, द फाइव राइनो रेंज नेशन इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया एंड मलेशिया हैव साइंड अ डिक्लेरेशन, द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दिस स्पीसीज। जो पांच राइनो रेंज नेशन है कौन कौन से, इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया, इन पांचों ने साइन किया एक डिक्लेरेशन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो 2019 को, ताकि कंजर्व किया जा सके प्रोटेक्शन इस स्पीसीज का। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज बिगन ए प्रोजेक्ट टू क्रिएट DNA प्रोफाइल ऑफ ऑल राइनोज इन दी कंट्री। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उन्होंने स्टार्ट किया एक प्रोजेक्ट ताकि क्रिएट किया जा सके एक DNA प्रोफाइल सारे राइनोज का कंट्री पे। नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, इट वॉज लॉन्च इन 2019 टू कंजर्व द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस, और नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी था इसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था इसको 2019 में, ताकि कंजर्व किया जा सके ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस को भारत में। ये आप देख सकते हैं वन हॉर्न राइनोसोरस को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई संता, तो हम जानेंगे ई संता के बारे में पूरे डिटेल्स में। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट एक्वा फार्मर एंड द बायर। ये है क्या, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, कनेक्ट करता है एक्वा फार्मर्स को बायर्स के साथ। लॉन्च बाय यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री, इसको लॉन्च किया गया है यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। तो किसने लॉन्च किया गया है, क्या है, इट विल इनेबल द फार्मर टू गेट अ बेटर प्राइस एंड द एक्सपोर्टर टू डायरेक्टली परचेज क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम द फार्मर्स, इनहेंसिंग ट्रेसेबिलिटी अ की फैक्टर इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये इनेबल करेगा फार्मर को कि उनको बेटर प्राइस मिले और वो एक्सपोर्ट कर सके डायरेक्टली परचेज क्वालिटी प्रोडक्ट को फार्मर से। ये इनहेंस करेगा ट्रेसेबिलिटी को भी, जो कि एक की फैक्टर है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। द टर्म ई सेंटा वॉज कॉइंड फॉर द वेब पोर्टल मीनिंग इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग नेक्सा फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। जो टर्म ई सेंटा इसको कॉइन किया गया वेब पोर्टल के लिए, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन ऑगमेंटिंग नेक्सा फार्मर के लिए जो कि ट्रेड कर रहा है एक्वाकल्चर पे। ई सेंटा विल रेज द लाइफ एंड इनकम ऑफ फार्मर बाई रिड्यूसिंग रिस्क, अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट, इंक्रीज इन इनकम, शील्डिंग अगेंस्ट रॉन्ग प्रैक्टिसेस एंड ईज ऑफ प्रोसेसेस। जो ई सेंटा है वो रेज करेगा लाइफ और इनकम फार्मर का किस तरीके से, तो जो रिस्क इससे एसोसिएटेड है उसको कम कर देगा, या अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा प्रोडक्ट और मार्केट के बारे में, इंक्रीज करेगा इनकम को, शील्ड करेगा रॉन्ग प्रैक्टिसेस के खिलाफ, और ये आसान कर देगा प्रोसेसेस को। तो इस सारे चीज के कारण क्या होगा कि जो लाइफ और लाइवलीहुड है वह इनकम जो है फार्मर का वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आधार क्रांति, तो हम जानेंगे आधार क्रांति के बारे में। आधार क्रांति इज अ मूवमेंट टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशनली
बैलेंस डाइट इन इंडिया, जो आहार क्रांति है, ये एक मूवमेंट है रेज करने के लिए अवेयरनेस को, जो इम्पोर्टेंस है न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट का भारत में, ठीक है। तो वो आहार क्रांति है, नॉट आधार क्रांति। तो आहार क्रांति मूवमेंट है जो कि रेज करेगा अवेयरनेस को, जो इम्पोर्टेंस है न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट का भारत में। द मिशन इज रन बाय विजना भारती विवा एंड ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट फोरम GIST। ये जो मिशन है इसको रन किया जा रहा है विजना भारती विवा और ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट फोरम GIST के द्वारा। द आहार क्रांति मूवमेंट इज डिजाइन टू एड्रेस द पिक्यूलियर प्रॉब्लम बींग फेस्ड बाई इंडिया एंड द वर्ल्ड कॉल्ड हंगर एंड डिजीज इन अबेंडेंस। जो आहार क्रांति मूवमेंट है इसको डिजाइन किया गया है ताकि एड्रेस किया जा सके पिक्यूलियर प्रॉब्लम को, जो कि फेस किया जा रहा है इंडिया और वर्ल्ड के द्वारा, जिसको कि हंगर या डिजीज इन अबेंडेंस कहा गया है। ये आप देख सकते हैं आहार क्रांति उत्तम आहार उत्तम विचार, नेशनल अवेयरनेस फॉर पॉजिटिव न्यूट्रिशन, इसको लॉन्च किया गया था ऑन इवेंट ऑफ वर्षा प्रतिपदा के। इसमें क्या था, तो व्हाट इज आहार क्रांति, व्हाई, व्हाट वुड बी द आउटकम्स, ये सारा कुछ सबको पता रहेगा। ये मदद करेगा इंक्रीज करने में कॉग्निटिव एबिलिटीज को चिल्ड्रेन के, इंक्रीज करेगा एबिलिटीज को लर्न एंड परफॉर्मेंस को स्कूल पे, ये सेव करेगा लाइफ को इकोनॉमी को, ये रिकॉग्नाइज करेगा सेल्फ रिलायबिलिटी को ग्लोबल वेलफेयर पे। That's all for daily current affairs session. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.